नमस्कार, मैं हूं मुनीश राजदान रेस्पिरेटरी सिस्टम से। आज एक बात हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब आप भी अपने कमेंट दीजिए उस पर कि मैं ठीक बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। ऑनलाइन मेडिकल इक्विपमेंट परचेज के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं परचेज करने के लिए, वो इमीडिएटली उसमें अपना फ़ोन खोलते हैं, उसमें ऑनलाइन देखा ही तो इतने का मिल रहा है, इतने का मिल रहा है, ऐसा है वैसा है, काफ़ी सारा हम लोग डिस्कस करते हैं, या काफ़ी सारे जो लोग हमारे साथ बहुत ज़्यादा नेगोशिएट करते हैं उनको हम लोग खुद ही सजेस्ट कर देते हैं कि आप ऑनलाइन ले लीजिए, ऑनलाइन में आपको काफ़ी सारा पैसा भी बच जाएगा और आपका सेटिस्फेक्शन भी हो जाएगा। लेकिन एक बात आप मतलब हमें बताइए कि ऑनलाइन में लेके मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल चीज लेना बहुत इजी होता है, देखिए कहीं पे भी कोई भी किसी को भी पैसा देंगे चीज़ आपको मिल जाएगी। मेन स्टोरी शुरू होती है कि चीज़ लेने के बाद में आपको सर्विस सपोर्ट कैसा मिल रहा है। सर्विस सपोर्ट सबसे पहले चीज़ लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक छोटा सा किस्सा हम आपको मैं बताऊंगा, हम लोग रेंट पे भी मशीन्स देते हैं, बाईपैथ पीपैथ कॉन्सेंट्रेटर्स, पूरा आईसीयू हम लोग सेटअप करते हैं घर पे, होम आईसीयू सेटअप करते हैं। तो हमारे से किसी ने रेंट पे मशीन्स ली थी, मैं नाम नहीं बताऊंगा, रेंट पे मशीन्स ली, बाईपैथ और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लिया। तो हमें रात को 10:30 बजे फ़ोन आता है कि आप अपनी मशीन्स ले जाइए, हमने जो है मशीन्स ले ली। लेकिन 2 दिन पहले उन्होंने हमारे से प्राइस लिया था, हमारे से मशीन्स परचेज नहीं की, उन्होंने मार्केट से जाके मशीन्स ली। फ्राइडे का दिन था, फ्राइडे को वो मशीन्स अपनी नई ले आए, बाईपैप और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। और रात को जब हम अपनी मशीन 10:30 बजे उनके घर से लेने के लिए गए, तो वहाँ पे पेशेंट की बेटी थी, उन्होंने बोला कि आप ले जाइए मशीन। हमने अपनी मशीन उठाई, जब हम जाने लगे तो वहाँ हमने देखा कि नई मशीन्स पड़ी हुई थी, बाईपैप भी था, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी था। तो उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप ये मशीन से इंस्टॉल कर दीजिए। मुझे बड़ा हैरानी हुई कि इतना महंगा सामान आपने, मतलब ब्रांडेड मशीन्स थी, फिलिप्स की मशीन्स उन्होंने मंगाई थी, तो दोनों कुल मिला के उस टाइम कोई 1.25 लाख रुपये के आसपास दोनों मशीन्स होंगी। तो मैंने उनको बोला कि मैं कैसे नया मशीन को हाथ लगा सकता हूँ, ये तो जहाँ से आपने परचेज किया है वो लोग आएंगे इंस्टॉल करेंगे, मैं कुछ और हाथ लगाऊँ, कल को वो आके बोलेंगे कि आपने ये गलत कर दिया, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो उनको यही था, जब उनसे बात की गई उन्होंने बोला कि तो जिनसे हमने लिया है उनका यही रिप्लाई था मैडम का कि सर आज तो फ्राइडे है और अभी लेट भी हो गया है, अभी तो कोई आया नहीं, मशीन्स अभी अभी आई हैं हमारे पास थोड़ी देर पहले, तो कल सैटरडे है, सैटरडे उनका ऑफ रहता है, परसों संडे है, अब वो मंडे को मशीन इंस्टॉल करने के लिए आए। तो मेरा क्वेश्चन मैडम से यही था, मैंने कहा मैडम आप ये देखिए, इतनी कॉस्टली मशीन्स और लाइफ सेविंग मशीन्स जो हैं वो आप इतना कॉस्टली लेके आए हैं, नई मशीन इंस्टॉल करने के लिए उनको 2 से 3 दिन चाहिए, 2 दिन के बाद में वहाँ से इंस्टॉलेशन के लिए वो आएंगे। अब आप ये देखिए कि जब वो नई मशीन सेल करने के बाद में 2 दिन के बाद आ रहे हैं, जब आप सर्विस कॉल कोई करेंगे तब वो लोग कितने दिन के बाद आए, तब उनका मैडम को एकदम रियलाइज हुआ कि तो ये तो हमने नहीं सोचा। तो उनने बोला नहीं सर, वो मेरा भाई ले आया जाके मार्केट से, ऐसा हो गया, आपका थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा था। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे इंसिडेंट हैं। तो अब फिर उनको लगा कि नहीं सर, अगर फिर भी आप देखिए अभी भी रात को 10:30-11 बजे अपनी मशीन्स लेने के लिए आए हैं, तो क्या हम आपको ज़रूरत पड़ने पर अभी आपको कॉल कर सकते हैं, कभी कुछ ज़रूरत पड़ेगी हमें तो।
हाँ बिल्कुल आएंगे हम लोग, हमारा ये एक प्रोफेशन तो है ही है, प्रोफेशन से ज़्यादा एक सोशल सर्विस भी है। ऐसा कभी नहीं होता कि इस फ़ोन पे भी हमारे से इतने ऑल ओवर इंडिया से कॉल आते हैं, कोई भी सजेशन मांगता है, कोई पूछता है कि टेक्निकल सपोर्ट चाहता है, कोई किसी को वीडियो कॉल में एडजस्टमेंट्स करानी पड़ती हैं, वो सब हम लोग करते हैं, कभी किसी को मना नहीं किया है। इवन कोविड में भी जितने सारे कॉल्स आए सब कॉल्स हमने अटेंड किए, ऐसा किसी का नहीं हुआ कि कॉल हमने कोई नहीं उठाया हो, चाहे किसी को मना ही करना था, कोई मशीन थी या नहीं थी, कुछ कर पाते नहीं कर पाते, जितना सपोर्ट हो सका उतना किया, हर कॉल अटेंड की। अभी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो 6 बजे के बाद अपना फ़ोन बंद कर देते हैं, उसके बाद फ़ोन नहीं आना चाहिए, लेकिन हम लोग 24 आवर्स वर्किंग है, कभी भी आप फ़ोन कीजिए हमारा फ़ोन कभी बंद नहीं होता। एक्सीडेंटली कभी बंद हो जाए कि बैटरी ख़त्म हो गई तो पता नहीं लगा फ़ोन बंद है, एक फ़ोन बंद होगा दूसरा फ़ोन चलेगा, दो दो तीन तीन नंबर्स हैं, आप किसी भी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन लेने के बाद में क्या आपको ये सपोर्ट मिलता है? मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं बोल रहा हूँ, और भी बहुत सारे अच्छे डीलर्स हैं जो लोग अच्छा सपोर्ट देते हैं, अच्छा काम करते हैं, इतने साल से मार्केट में है, लेकिन ऑनलाइन में और नॉर्मल मशीन लेने में क्या फ़र्क? क्या ऑनलाइन चीज़ लेने के बाद में आपको मालूम चलता है उसको इंस्टॉल कैसे करना है, या आपको बहुत सारी उसके साथ नॉलेज चाहिए होती है, कैसे यूज़ करना है, कैसे नहीं करना है, क्या डूज एंड डोंट्स हैं, वो जानकारी आपको ऑनलाइन नहीं मिल सकती है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लग रहा है या कुछ, ऑनलाइन देखिए उनको कोई टेक्निकल सपोर्ट नहीं करना है, कहीं उठ के जाना नहीं है, बाद में उनको कोई मतलब नहीं है, आपको सर्विस के नंबर्स उनके पास नहीं होते हैं, आप अभी उसके बाद फ़ोन कीजिए सर मेरी मशीन ख़राब हो गई, कहाँ जाना है पता नहीं है, रोज़ हमारे पास इतने कॉल्स आते हैं, ये तो ऑनलाइन हमने मंगवाया था पता नहीं हमें कहाँ जाना है, कितने सारे ब्रांड्स ऐसे मिलते हैं जिनकी सर्विस ही नहीं, बुकलेट उठाओ कोई कस्टमर सपोर्ट नंबर नहीं है, इतने सारे प्रोडक्ट उन्होंने ले लिए हैं। फिर कई बार क्या होता है प्रोडक्ट ही गलत ले लेते हैं, जानकारी नहीं है, अब बाईपैप ही लेना है, बाईपैप के कितने सारे मॉडल्स आते हैं, कौन सा लेना है, एक चीज़ ऑनलाइन गलत मंगवा ली फिर उसके बाद वो यूज़ करके खोल के उसमें पानी वानी डाल दिया, तो वो सब उसके बाद तो आप वापस नहीं कर सकते हैं उसको, तो थोड़ा सा उस चीज़ को सोच के कि आपको टेक्निकल सपोर्ट कहाँ मिलेगा। एक और एग्जांपल आपको छोटा सा देते हैं, अभी हम लोग स्लीप स्टडीज करते हैं, जो स्नोरिंग के स्लीप एपनिया के पेशेंट्स हैं उनके टेस्ट हम लोग करते हैं, उसके बाद उनको सीपैप या बाईपैप रिकमेंड किया जाता है। एक हमारे पेशेंट हैं, उन्होंने गवर्नमेंट में थे, मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगा, हॉस्पिटल से उनका स्लीप स्टडी किया गया, हॉस्पिटल से ही उनको सीपैप भी रिकमेंड किया गया, हॉस्पिटल से ही उनको सीपैप भी मिला, लेकिन वो 2 साल से सीपैप नहीं यूज़ कर पाए। क्यों नहीं यूज़ कर पाए किसी को नहीं मालूम है, वो यूज़ नहीं कर पाए, उन्होंने उठा के एक साइड में रख दिया, डॉक्टर के पास वो नहीं गए, अपना 2-3 बार बाइक से वो गिर गए, नींद आ गई बाइक चलाते चलाते, उनको काम करने में उनको प्रॉब्लम होने लगा, कस्टमर डीलिंग में थे उनको पता ही नहीं लगता था क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कब नींद की झपकी आ रही है, 2 बार बस में गिर गए। तो ऐसे ही हमारे एक जानकार डॉक्टर हैं, उनके पास किसी और पेशेंट के लिए वो गए थे, जब बात कर रहे थे तो डॉक्टर साहब, तो वो बैठे बैठे पेशेंट हमारे उनके सामने सो रहे, तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने बोला कि भाई ये क्या कर रहे हो आप? बोले डॉक्टर मैं तो बड़ा परेशान हूँ कि मुझे तो ऐसे नींद आती है, बड़ी प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर ने बोला अपना टेस्ट कराओ, उन्होंने बोला करा लिया डॉक्टर टेस्ट करा लिया, ठीक है मशीन लगाओ, मशीन भी है सर मेरे पास, मशीन लगा नहीं पाता हूँ मैं, क्यों नहीं लगा पाते सर पता नहीं। तो फिर उन्होंने डॉक्टर ने मेरा नंबर दिया उनको, उनका कॉल आया मेरे पास, मैं उनके घर पे गया देखने के लिए, तो रात को 10 बजे वो सोते हैं, 10 बजे उनके घर पहुंचा मैं, घर पहुंच के हमने देखा उनको, मशीन निकलवाई मशीन लगाई उनको, 5 मिनट में ही उनको हमने देखा कि उनका जो है मुंह खुल रहा है, और जो मशीन के साथ उनको मास्क दिया गया था वो नेजल मास्क था, नाक पे लगने वाला, अब मशीन से हवा नाक में जा रही है, मुंह आपका खुला हुआ है, नाक से होके हवा मशीन मुंह से बाहर आ रही है, तो मशीन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, उनका मुंह सूख जाता था।
5-7 मिनट के बाद उन्होंने मशीन उतार दिया। बोले जी मैं तो नहीं लगा पाऊंगा। मैंने बोला आपको ये मास्क यूज नहीं होगा, आपको फुल फेस मास्क लगेगा। नेक्स्ट डे फिर मैं उनके घर पे फुल फेस मास्क लेके गया जो नाक और मुंह दोनों कवर करता है। फिर उनको मास्क लगाया। उस दिन भी रात को 10 बजे गए, आधा पौना घंटा उनको देखा। जब वो सो गए उसके बाद उनके घर से निकला मैं। सुबह उनसे बात की तो थोड़े खुश थे वो। उन्होंने बोला आज तो मैंने 2-2.5 घंटे लगाया लेकिन उससे ज़्यादा मैं नहीं लगा पाया। बोला कोई बात नहीं, 2-2.5 घंटे लगाया काफ़ी। नेक्स्ट डे फिर गए उनके घर, उनका जो ह्यूमिडिफायर था उनकी सेटिंग की, ह्यूमिडिफिकेशन थोड़ा सा बढ़ाया क्योंकि उनका मुंह सूख जाता था बार बार। ह्यूमिडिफिकेशन उनका सेट होने के बाद में उन्होंने पूरी रात मशीन लगाया। अब वो इतने खुश हैं, इतने खुश हैं, जितनी बार भी वो हमें मिलते हैं उतनी बार डे वन की स्टोरी सुना देंगे, आपने हमें बचा लिया। कि मैं तो अपना जॉब भी छोड़ने वाला था, मैं तो जॉब भी नहीं कर पा रहा था अपनी, और कहीं भी गिर जाता था बाइक चलाते हुए नींद आ जाती थी। मैं टबैको तंबाकू खाना शुरू कर दिया उन्होंने कि भाई मुझे नींद ना आए मैं तंबाकू खाना शुरू कर देता हूँ। उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि प्रॉब्लम कुछ और है, तंबाकू खाने से ट्रीटमेंट होते तो क्या बात है। लेकिन यही मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको ये जानकारी मिले। ये चीज़ें आपको ऑनलाइन नहीं मिल पाएंगी। क्या कोई इतना एफर्ट लेगा ऑनलाइन चीज़ लेने के बाद में? ये चीज़ें आप अपने नियरेस्ट डीलर से लीजिए, अपने किसी जानकार से लीजिए। अब ये कोई कूलर पंखा तो है नहीं कि आपने ठीक है आज हवा कम आ रही है तो आज थोड़ा हाथ से पंखा कर लेंगे, या ट्यूब नहीं है तो कोई इमरजेंसी लाइट जला के रात का काम चला लेंगे। ये लाइफ सेविंग इक्विपमेंट है, इसके साथ बहुत सारी आपको जानकारी चाहिए जो कि आपको ऑनलाइन नहीं मिल पाती। ऑनलाइन है, गूगल है, सब कुछ है, लेकिन एग्जैक्ट एक्सपीरियंस भी कोई चीज़ होती है। गूगल पे आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं लेकिन एक्सपीरियंस भी एक चीज़ होती है। तो वो रिक्वेस्ट है कि ऐसी चीज़ें जो हैं आप ऑनलाइन ना लें जो कि क्रिटिकल हैं, क्रिटिकल केयर के इक्विपमेंट हैं, ऐसी चीज़ें ऑनलाइन ना लें। लेना या नहीं लेना, चीज़ें ऑनलाइन लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या होता है 90% जो है हमें उसमें यूज़र प्रॉब्लम्स होती हैं। यूज़र प्रॉब्लम क्या है? कोई सेटिंग कैसे करना है, या मास्क कैसे लगाना है, या कुछ। अब काफ़ी सारे लोग हैं, मास्क में एक्सेलेशन पोर्ट होता है जहाँ से एयर एक्सेल होती है, जो हम लोग सांस छोड़ते हैं वो मास्क में से एक पॉइंट होता है वहाँ से निकलता है। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, वहाँ से एक हवा निकल रही है लीक हो रहा है उसके ऊपर टेप लगा देते हैं। तो ये छोटी छोटी जानकारियाँ हैं जो कि आपको ऑनलाइन में नहीं मिलेगा। आप खुद टेप लगाने लगेंगे। रात को 12 बजे आपको कोई चीज़ पूछनी है, रात को 11 बजे आपको पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पे आप भागेंगे, किसको पकड़ेंगे ऑनलाइन? तो जो भी चीज़ें आप लोग ऑनलाइन ले रहे हैं, हमारी रिक्वेस्ट है कि लाइफ सेविंग इक्विपमेंट हैं इनको आप कंफर्टेबल हैं तो लीजिए, लेकिन उसके बारे में ये भी सोचिए आपको सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, इस बारे में थोड़ा सा सोचिए। थैंक यू।